संगवारी हो, अब हमन जात हवन एकर ले पीथमपुर। पीथमपुर जो है बाबा बर्फानी के बहुत बढ़िया जो है, सावन के महीना में बहुत भीड़ रहते, बहुत ज़्यादा भीड़ रहते। कांवड़िया जो है बहुत दूर दूर से जल चढ़ाए बर आते, वहाँ भी हम जात हैं संगवारी हो। पीथमपुर, पीथमपुर जाए के बाद जो है बाबा बर्फानी और बाबा भोले बाबा के सब कोई ला मतलब दर्शन कराबो, फिर मिले थे वहाँ जाके। जय हिंद, वंदे मातरम, मैं प्रणव जी आप मन के स्वागत करत हूँ मोर यूट्यूब चैनल में। आज पहुँचे हैं हम बाबा कलेश्वर धाम जो है वह पीथमपुर में, और कलेश्वर मंदिर में अभी जाए के बाद जो है अंदर के दर्शन कराबो। जैसे देख सकते हैं हम पूरा फैमिली के साथ जो है कलेश्वर धाम पहुँचे हैं। सुलेखा है, राज है, श्रेया है, श्रेया वो श्रेया भी है, तो देख सकते। चलो बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं? बता दो कुछ, कहाँ आई हो? पीथमपुर। तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख रहे हो हम लोग पहुँचे हुए हैं जय बाबा कलेश्वरनाथ। कलेश्वरनाथ जो है पीथमपुर चांपा में है। यहाँ पर भर पूरा फागुन के महीने में पूरा मेला लगा रहता है, और मेला में इसका जो है खास परंपरा रहा है, इस बाबा कलेश्वरनाथ का महिमा रहा है कि यहाँ पर इस प्रांगण में जो भी आते हैं, जो भी श्रद्धालुगढ़ या भी जो भी दुखिया दीन दुखिया आते हैं, उनकी जो है मनोकामना पूरा होता है। और सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीना में यहाँ पर कल के डेट में आप लोग कदम रखने को जगह नहीं मिलेगा। और आज है संडे, संडे को बच्चों का छुट्टी होने के कारण जो है हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और ये श्री जी देव मंदिर जो है कलेश्वरनाथ मंदिर जो है यहाँ पर, जिस परिसर में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर नागा साधु बाबा जो होते हैं उनका जो है ये परिसर है। और ये परिसर उनका नहीं है फिलहाल, लेकिन वो लोग यहाँ पर अपना मंडली बनाए रहते हैं, अपना जो अखाड़ा है उसको लगाए रहते हैं। तो अभी भी हमारे पीछे में तीन चार जो है नागा साधु बाबा लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। मेरा लड़का दिखा रहा होगा आप लोगों को, गाइस ये लोग हैं नागा बाबा लोग जो पूरे अपने फैमिली के साथ बैठे हैं यहाँ पर, क्या क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब नागा बाबा लोग हैं, नागा बाबा लोग जो है यहाँ पर इस परिसर में बैठे रहते हैं कलेश्वरनाथ बाबा के में। और बाबा भोलेनाथ की महिमा रही है कि यहाँ पर कोई भी दिन दुख से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसकी झोली जो है हमेशा भर के जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हसदेव नदी के तट पर बना हुआ कलेश्वरनाथ मंदिर है। ये हसदेव नदी के तट पर बना हुआ है। हसदेव नदी जैसे कि आप देख पा रहे हो, हसदेव नदी में किस तरीके से फुल भीड़ चल रहा है, फुल पानी बह रहा है। अभी इस परिसर में, इस प्रांगण में क्या बताऊँ, यहाँ पर आने के बाद आप लोग के मन में इस तरीके से शांति महसूस होगा कि जिसकी कहना कहने मात्र से नहीं होता। आप जैसे कि देख पा रहे हो हम लोग दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कलेश्वरनाथ मंदिर। और कलेश्वरनाथ मंदिर का ये बहुत सुंदर नज़ारा है हमारे पीछे में देख रहे हैं। एक भाई जो है जल चढ़ा रहा है, और सुलेखा और श्रेया भी गई हुई है नारियल फूल लेके। एक जो है राज को भी दे रहा हूँ, जाओ बेटा आप भी चढ़ाना। तो सभी के सभी को भेज दिया मैं जो है अभी वहाँ पर, अपना बाबा कलेश्वरनाथ को नारियल और जल चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि राज और सुलेखा पहुँच चुकी है वहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तुम्हारे चरणों की धूल से सब सुर सुरपति सुख भोगी, तुम तो अपना सबको लुटा के फिरते हो बन के जग में जोगी। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव।
आप लोग देख पा रहे हो मैं पहुंच चुका हूं पीथमपुर, और पीथमपुर का अंदर का दृश्य है बाबा कलेश्वरनाथ जी। बाबा कलेश्वरनाथ जी मेरे सर पर भी हाथ है और मेरे पीछे भी बाबा कलेश्वरनाथ जी का पूजा पाठ चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो पूजा पाठ शुरू हो चुका है बाबा कलेश्वरनाथ जी का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के महीने में ही यहाँ पर बाबा कलेश्वरनाथ में जल फूल चढ़ाने के लिए, नारियल चढ़ाने के लिए सब आ रहे हैं, और राज भी आया हुआ है हमारे साथ में, देख सकते हो राज भी है हमारे साथ में। आज जो है हम लोग सब परिवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर पहुँच कर सीधा बाबा कलेश्वरनाथ जी का लाइव मंगल आरती आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मंगल आरती क्षेत्र चल ही रहे हैं, बाबा कलेश्वरनाथ पर जल फूल फल जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा ही रहे हैं। सावन के महीने में यहाँ पर आकर दृश्य करना, इस तरीके से दृश्य को देखना अपने आप में एक अद्भुत और क्या वही बताएं यहाँ पर का नज़ारा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग को इस तरीके से महसूस हो रहा है कि हम लोग यहीं पर रुक जाए, वाकई में यहाँ पर मन को शांति मिलती है। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो आरती जो है भाई बहनें कई जो है माताएं लगी हुई हैं आरती करने में, और अभी सही समय पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, बिल्कुल सही समय में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बाबा कलेश्वरनाथ जी का पूजा पाठ चल रहा है और इसी समय पर हम लोग पहुँचे हैं। और हमारा जो है अहो भाग्य जो हम लोग इस पूजा में सम्मिलित हुए, आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग भी देखें और समझें बाबा कलेश्वरनाथ जो है पीथमपुर चांपा में बहुत ही प्राचीन और जिसकी महिमा का क्या ही व्याख्यान करूँ मैं, करते हुए भी नहीं थकोगे, इतना महिमा है इसकी। यहाँ पर कोई भी श्रद्धालुगढ़ अपनी दुखिया दिन दुखिया कोई भी दुखी है, किसी प्रकार के दुख है किसी को, माताओं बहनों को, सब अपना परेशानी लेकर यहाँ पर आते हैं और बाबा कलेश्वरनाथ के से विनती करते हैं कि हमारा परेशानी दूर हो जाए। तो ये बाबा कलेश्वरनाथ जी 100% जो है श्रद्धालुओं का जो है परेशानी दुख जो है उसको दूर करता है। तो आप भी आइए बाबा कलेश्वरनाथ मंदिर में, और जो है कल के डेट में तो बहुत भीड़ रहेगा, कल सोमवार है, आज तो संडे, तो आज संडे के थोड़ा सा कम है, लेकिन कल जो है बहुत भीड़ रहेगा यहाँ पर। अब बाबा कलेश्वरनाथ की आप लोगों को बिल्कुल आज पूरा मैं जो है पूरा परिसर में घूम घूम के आप लोगों को आज भ्रमण कराया हूँ। दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो सीधा जो है यहाँ पर मंगल आरती चल रही है, ये दोस्तों मंगल आरती चल रहा है, आरती जो है अभी जस्ट फिनिश ही हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी आओ पीथमपुर, और पीथमपुर आने के बाद जो है यहाँ बाबा कलेश्वरनाथ पर जल चढ़ाओ और अपनी मन की मुरादें पूरा करो। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पीथमपुर बड़ी मुश्किल से तो पहुँचे, क्योंकि जगह जगह बारिश हो रहा था और एक जगह हम लोगों ने हाल्ट किया था, लेकिन फिर भी जहाँ तक पहुँचते ना बोलते ना अगर भगवान की इच्छा हो तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो बाबा कलेश्वरनाथ की महिमा थी जो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोगों ने जल फूल नारियल अपने चढ़ा दिए। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली यहाँ से हम लोग रिटर्न जाएंगे अब, क्योंकि अभी हम लोग को जाना भी बहुत दूर है, बहुत दूर से आए हुए हैं हम लोग, तकरीबन हम लोग आए हैं 60-70 किलोमीटर दूर से, और सिर्फ आप लोग यही पीथमपुर का बस आप लोग दिखाने के लिए आए थे पीथमपुर का परिसर जो है, क्योंकि उस टाइम पर क्या है फागुन के समय पर हम लोगों को इतना खाली समय नहीं मिल पाता कि यहाँ पर आप एक मिनट भी नहीं रुक सकते, ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप लोग ब्लॉगिंग करके दिखाने का मन मकसद यही था कि आप लोग देखो कि बाबा कलेश्वरनाथ के मंदिर में, और यहाँ पर कई तरीके से है दोस्तों, यहाँ पर मेन गेट पर ही आपको जाते जाते मैं दिखाऊँगा, वहाँ पर नागा साधुओं का जो है पीथमपुर का जब मेला स्टार्ट होता है ना फागुन में, तो उस टाइम पर तो और बहुत भीड़ रहता है, उस परिसर में आपको कदम रखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो है अभी मैं जाते जाते भी दिखाऊंगा कि पीथमपुर के नागा साधु जो है वहीं पर बैठते हैं, वहाँ मेन गेट पे, पीथमपुर के मेन गेट पर ही बैठते हैं, यहाँ बाबा कलेश्वरनाथ के द्वार पर बैठते हैं।